ट्रेन वहाँ से स्किप कर रही है। ये रही यहाँ पे तीन कोच वाली छोटी पैसेंजर ट्रेन जो एट से कोच के बीच चलती है। जो सफ़र है अपने आप में यूनिक है। देखिए कल 16 अप्रैल था और इंडियन रेलवेज का बर्थडे था। मैंने ब्लॉग बनाया था, स्लीपर में यात्रा की थी, जनरल के टिकट पे स्लीपर में, क्योंकि रेक तो वैसे ही थे। और आज चारबाग स्टेशन यहाँ लखनऊ से यात्रा होगी बरौनी ग्वालियर मेल एक्सप्रेस में। इसका नंबर ही बहुत यूनिक है, 11124। वीरांगना लक्ष्मी भाई झांसी के लिए यात्रा होगी और ट्रेन आने वाली है, बस अब 20 मिनट रह गए, टिकट विकट लेते हैं फिर चलते हैं अपना कानपुर उरई के लिए। यही सही रूट रहने वाला है। हाँ तो ये 110 रुपये का टिकट पड़ा है झांसी के लिए और यहाँ अमृतसर मेल एक्सप्रेस आ चुकी है एक नंबर प्लेटफॉर्म पर। चले 6 नंबर पे चलते हैं। ये बरौनी ग्वालियर मेल 3-4 दिन से अभी डाइवर्ट चल रही थी बाराबंकी और छपरा के बीच और आज के दिन ऑन टाइम मतलब अपना अपने रूट से ही चल रही है, तो ये डाइवर्ट नहीं है तो इसमें भीड़ भाड़ आज हो सकती है। ऐसे जब 3-4 दिन से जब डाइवर्ट थी तब भीड़ भाड़ नहीं हो रही थी। चलिए आप देखते हैं आज जब डाइवर्ट नहीं तो आज कैसी हाल है इसके, आशा करते सीट मिल जाए। चलिए प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और जो गंगा सरलुज एक्सप्रेस निकाल रही है 4 पर, यहाँ बैक 4 के साथ आ चुकी है 2228। यूनिक नंबर और यूनिक लोको का भी नंबर यहाँ पर ICF के पुराने कोचेस के साथ। अब ये वहाँ देखिए अमृतसर मेल यहाँ डिपार्चर ले रही है, यहाँ लखनऊ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वो रही अमृतसर मेल और वहाँ आई है पुणे गोरखपुर स्पेशल, समर स्पेशल उसकी। और साथ ही यहाँ पे ऑन टाइम डिपार्चर 11 बजे। वहाँ पे देखिए डेक्कन का कोच लगा हुआ है, पहली बार देखा है यहाँ गोरखपुर पुणे स्पेशल में। Thank you.
कानपुर सेंट्रल अराइव लिख कर चुके हैं साथियों। यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे साथियों। ये देखिए फोलिंग यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ और ऐसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर ली गई है गाड़ी, ये हमारी मेल एक्सप्रेस। चलिए पानी वानी भर लेते हैं और अभी 5 मिनट का यहाँ पे स्टॉप। अभी तक हमने अभी लखनऊ से कानपुर तक आपको बहुत कम दिखाया क्योंकि कई ट्रेनों में दिखा चुके हैं लखनऊ से कानपुर तक, और अब झांसी वाला जो इस सेक्शन है ना ये हमारे लिए काफ़ी नया है, तो अब हम यहाँ से आपको क्लियर सही से पूरा दिखाते वीडियो। और ये रोड मेरे लिए भी नया है, यहाँ तक अभी यहाँ पे मैं गया भी नहीं हूँ रही के रास्ते झांसी, तो पहली बार जा रहे। चलिए अब यहाँ से पूरा बढ़िया से वीडियो बनाएंगे साथियों। कानपुर सेंट्रल से यहाँ पर डिपार्चर हो चुका है, 5 मिनट मात्र गाड़ी रुकी और तुरंत गाड़ी चल दी यहाँ पर, और वहाँ खड़ी है ओडिशा के लिए, नहीं ओडिशा नहीं, पूरी आनंद विहार नंदन कानन एक्सप्रेस। यहाँ न्यूली पेंटेड वैप 7 और वैप 5। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, वहाँ कोई तो ट्रेन है, कोई ट्रेन वहाँ से स्किप कर रही है। ये हटी आनंद विहार टर्मिनल झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। उद्योग नगरी एक्सप्रेस आउटर पे यहाँ खड़ी हुई है, बहुत बुरी भीड़ है इसमें। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लाइन साथ ही ये जा रही है, बाईपास लाइन है ये, प्रयागराज से आ रही है। साथ ही यहाँ पे चित्रकूट बांदा वाली लाइन अलग होते हुए ये सिंगल लाइन रूट है। पुखराया ये बिल्कुल सर पे धूप चढ़ गई है और यहाँ पे 2 मिनट का मात्र स्टॉप है पुखराया स्टेशन आ चुका है और यहाँ हॉर्न भी हो चुका है। चलिए अब गाड़ी यहाँ पे आगे, अब एक स्टेशन है इसका नाम शायद कालपी, वहाँ पे रुकेगी फिर उसके अधूरी फिर चलते हैं हॉर्न। वैसे इस रूट पे कुछ इतना खास दिखाने लायक नहीं है, और ये है NCR डिवीज़न में आ चुके हैं, झांसी मंडल में NCR जोन है यहाँ पे। चलिए अब यमुना नदी पड़ने वाली वो दिखाते हैं।
सकते हो। ये इसी के साथ कालपी भी आ चुके हैं। उरई और साथियों, उरई अराइवल लेते हुए पाँचवें हॉल्ट उरई पे आ चुके हैं। यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और अब अगला स्टेशन 8 पड़ने वाला है। 8 एक ऐसा स्टेशन जहाँ से सबसे छोटी शटल एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, जो मात्र 2 से 3 डिब्बे की होती है, पहुँच के लिए चलती है। 8 जंक्शन पहुँच के लिए यहाँ से बदले। साथियों, यहाँ 8 पर बरौनी ग्वालियर मेल की क्रॉसिंग हुई है। अभी तक कानपुर से अब जाके कोई एक्सप्रेस ट्रेन की क्रॉसिंग हुई है अपने से, और ये भी पूरी पैक है, पूरी भरी हुई है। जब बरौनी जाती ट्रेन तो पूरी भरी रहती है, पूरा सब पैक वैक है सब यहाँ। और ग्वालियर जाते हुए बस ट्रेन खाली रहती है, जिसमें अभी हम लोग बैठे हैं। और यहाँ पर स्लीपर के भी जनरल की तरह हाल है। और यहाँ अपनी गाड़ी का भी सिग्नल हो चुका है, अपनी गाड़ी भी चल चुकी है। और ये रही यहाँ पे 3 कोच वाली छोटी पैसेंजर ट्रेन जो 8 से कोच के बीच चलती है। है कोच 8 सरसों की SLR कोच यहाँ लास्ट में लगाया गया है। पता नहीं, ट्रेन मैनेजर शायद इस ट्रेन में नहीं होते होंगे। और आगे से जो राइट साइड में लाइन जाएगी वो कोच की ओर है। और ये रही कोच जाने वाली लाइन, यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा। मात्र 10 किलोमीटर दूरी पे है यहाँ पे कोच। मोठ स्टेशन पर आ चुके हैं और यहाँ पे मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। और इसके बाद गाड़ी सीधा वीरांगना लक्ष्मी भाई झांसी रुकेगी, जहाँ हमारी मंजिल है। अब उसके बाद हमारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। और चलिए अब गाड़ी पे बैठते हैं। हमारी गाड़ी भी यहाँ से चलने को है तैयार, 2 मिनट का स्टॉप है। और एक तो ये बता दूँ, यहाँ पर ना पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर मतलब पहाड़ वहाड़ सब हैं। इसके बाद से शुरू हो जाएंगे मतलब। से लाइन मिलते हुए यहाँ पे, और यहाँ आउटर पर रुक चुके हैं। यहाँ आउटर पर गाड़ी रुकेगी कुछ देर और लगभग ट्रेन ने टाइम कवर कर लिया है। वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी। लगभग 5
मिनट की देरी से इधर झांसी आ चुके हैं और ट्रेन लगभग कानपुर के बाद लगभग एक घंटा या आधा घंटा लेट थी। उसके बाद से ट्रेन ने अच्छा खासा टाइम कवर किया। बाकी यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है, बढ़िया पहाड़ वहाड़ हैं, क्योंकि हमने देखे यहाँ पे एक प्लेट्यू टाइप के यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये पुरानी ICF की ट्रेन की जर्नी आज हमने फाइनली ख़त्म करी। इस ट्रेन को भी हम जर्नी करना चाहते थे और अब जाके इसमें जर्नी ख़त्म हुई। और अब यहाँ पे बता दो इसका लोको रिवर्स होगा गतिया दबरा जाने के लिए, क्योंकि पीछे जिधर से दिल्ली वाली लाइन थी उधर ही ट्रेन ग्वालियर वापस जाएगी। साथियों, इन फ्यूचर अगर ये ट्रेन LHB होगी ना तो फिर इसमें AC कोचेस बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे अभी इसमें 3 3rd AC और 1 2nd AC और 4 AC के कोचेस हैं और 11 स्लीपर है, तो इन फ्यूचर मेरे ख्याल से 5 6 स्लीपर रहने वाले हैं शायद, मेरे ख्याल से। और बाकी जनरल भी कम कर दिए जाएंगे, जनरल अभी जैसे 5 हैं तो 3 या 4 हो बाद में LHB करने के बाद। और साथियों, ये ICF की ट्रेन को अलविदा कहते हुए न जाने फिर कब जर्नी करेंगे, शायद तब LHB हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।